वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट करियर पॉइंट भाल की आज की क्लास में हम देखेंगे एनसीईआरटी एंड सीबीएसई मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुख्तस ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस वाले टॉपिक से आपको 3 मार्क्स का कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है स्टूडेंट्स, तो इम्पोर्टेंट है। देखिए, मुसल्लिस का रकबा एरिया ऑफ ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैं यहाँ लिखा हूँ, इसको लर्न करने के लिए एक मैं ट्रिक बताता हूँ, उस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले एक मुसल्लिस बना लीजिए बीसी, x1 y1, x2 y2, x3 y3। इसको लर्न करने के लिए देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हाफ इनटू, अब देखिए एक साइकिल चलाना है आपको, ए से साइकिल स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ए से मतलब x1, ठीक है, यहां से साइकिल आ गई, इसको लेंगे y2 - y3। देखिए y2 - y3 हो गया। अभी साइकिल बी से शुरू होंगी, यानी कि x2 + x2 की हम, यहां से जो साइकिल स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट, देखिए y3 - y1, ठीक है, इतना ले ली। अब नेक्स्ट देखिए +x3, यहां से साइकिल स्टार्ट हो रही है y1 - y2, देखिए y1, यानी कि इस तरह से इधर x1 से साइकिल चलाएंगे, ए से साइकिल चलाएंगे, बी पे स्टॉप पे रुकेंगे तो y2 और y3 को लेंगे, बी से साइकिल स्टार्ट होंगी तो हम क्या करेंगे y3 और y1 को लेंगे, उसके बाद C से साइकिल स्टार्ट होगी हमारे पास y1 - y2 लेंगे। इस तरह से आप फॉर्मूला बना सकते हैं और इसको लर्न करने के लिए सबसे इजीएस्ट मेथड में आपको आसान तरीका दिखा रहा हूं। चलिए अब क्वेश्चन इसके ऊपर देखेंगे। एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस इज, मुसल्लिस का रकबा मालूम करें जिनके रास, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, -5, -1, 3, -5 और 5, 2 है, तो इसको ए, ये बी, ये सी नाम दे दिए स्टूडेंट्स, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब देखिए मसल्लेस का रकबा इज इक्वल टू 1/2, फॉर्मूला लिख लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। फॉर्मूला देखिए x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y, ये फॉर्मूला। अब चलिए फॉर्मूले में वैल्यू रख लो, आंसर आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है, मुसल्लिस एबीसी, ठीक है स्टूडेंट। एबीसी का रकबा देखो क्या होता है, x1 का वैल्यू देखो क्या है -5 है, y2 का वैल्यू देखो y2 - 5 - y3 है 2 + x2 का वैल्यू 3 है, y3 है 2 - y1 - 1 है, यहाँ के +1 हो जाएगा, प्लस x3 देखो 5 है, y1 का वैल्यू -1 - y2 - 5 है, यहाँ जाके +5 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इतना आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, उम्मीद करता मैं आपसे। 1/2, सबसे पहले रोल ऑफ बॉड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो देखिए 5 ऐसे रख लो, -5 - 2 - 7 हो जाएगा, ठीक है, +3, 2 + 1 हो जाएंगे 3, +5 - 1 + 5 - 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहां से सॉल्व कर लेंगे हम 1/2, अब देखो -5 - -7 - -+ हो जाएंगे, 5 × 7 = 35, +3 × 3 = 9, +5 × 20 हो गए। अब देखिए 35, 20 और 9 को जमा करना है इसमें, देखिए 9, 10, 14 के 4 हासिल का 1, 1, 4, 6 कितना हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 1/2 × 64 आ गया। 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6 बच गया हमारे पास 2 × 2 = 4, आंसर देखो स्टूडेंट 32 स्क्वायर यूनिट। मुरब्बा कभी भी रकबा मीटर की दूसरी, सेंटीमीटर की दूसरी रहता है, यहां मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया इसलिए स्क्वायर यूनिट में रहेगा, मुरब्बा इकाइयां, ठीक है, आपका ये आंसर है स्टूडेंट्स। अच्छे से लर्न कर लीजिए फॉर्मूला, उस ट्रिक के हिसाब से कर लो,
बहुत ही आसान रहेगा, इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो स्टूडेंट्स और एक बार रिवाइंड कर इस वीडियो को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।